स्वागत है आपका साउल जीरो ऑयल कुकिंग में। आज हम लाए हैं आपके लिए एक न्यू सीरीज 7 डेज थायराइड वेट लॉस मेन्यू प्लान। ये एक बहुत ही स्वादिष्ट और न्यूट्रिशन से भरी रेसिपी है जो आपके थायराइड में वजन घटाने में मदद करेगी। तो चलिए हम डे 1 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हम सर्व करेंगे किनुआ डोसा अनियन चटनी के साथ। दोस्तों हम सबसे पहले एक मिक्सचर जार में 1/2 पाउंड कटा हुआ खीरा, 2 हरी मिर्च, 2 पीस अदरक और 1 बाउल किनुआ और स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से पीस लेंगे। फिर इसे हम 1 बाउल में डाल देंगे। अब 1 पैन को गर्म करेंगे और इस बैटर को कुछ इस तरीके से फैला लेंगे। इसे दोनों साइड से सेक लेंगे। अब हम नेक्स्ट इसके साथ सर्व करने के लिए चटनी बनाएंगे, जिसके लिए हम दोबारा से एक मिक्सचर जार लेंगे और उसमें 1 बाउल प्याज, 1/2 बाउल गार्लिक क्लोव्स, 1 टीस्पून इमली पेस्ट, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से पीस लेंगे। चटनी बनकर तैयार है। दोस्तों किनुआ डोसा को हम इस चटनी के साथ सर्व करेंगे। दोस्तों मिड मॉर्निंग में हम मैंगो सर्व करेंगे। हमारी नेक्स्ट रेसिपी लंच है। दोस्तों लंच में हम लौकी का भरता, चपाती, सैलड और दही के साथ सर्व करेंगे। सबसे पहले हम 1 टीस्पून जीरा, 1/4 हींग डालकर अच्छे से भून लेंगे। फिर हम 1 बाउल अनियन डालकर इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद 1/2 बाउल टमाटो, 1 टीस्पून ग्रीन चिली, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 जीरा पाउडर, 1/2 कप पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, फिर एक बार मिलाकर 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से पक जाएं। अब सभी मसालों के पकने के बाद इसमें 1 बाउल ग्रेटेड लौकी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला देंगे। और 10 मिनट के लिए ढक देंगे। लौकी भरता की सब्जी बनकर तैयार है। अब इसे चपाती, सैलड और दही के साथ सर्व करेंगे। मिड इवनिंग में हम कस्टर्ड फूल मखाना खीर सर्व करेंगे। इसके लिए हम पहले एक पैन को गर्म करेंगे और उसमें 1 बाउल मखाना को अच्छे से भून लेंगे। फिर हम गहरे पैन को गर्म करेंगे और उसमें 1 बाउल दूध डालकर इसे भी गर्म कर लेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून जैगरी ऐड करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें 1 बाउल में 2 टीस्पून कस्टर्ड में हल्का सा पानी डालकर अच्छे से घोल लेंगे। फिर इसे दूध में डालकर अच्छे से मिला लेंगे। 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ी देर बॉयल होने देंगे। अब इसमें रोस्टेड मखाना डालकर अच्छे से मिलाएंगे। एक बाउल पोमेग्रेनेट, 1 बाउल एप्पल ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। दोस्तों हमारा फूल मखाना कस्टर्ड खीर बनकर तैयार है। डिनर में हम ज्वार सूप सर्व करेंगे। सबसे पहले हम 1 बड़ा बाउल लेंगे और उसमें 1 बाउल ज्वार का आटा डालेंगे और 1 कप से ज्यादा पानी डालकर अच्छे से घोल लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी हम पतली रखेंगे। इसके बाद एक पैन गरम करेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग डालकर अच्छे से भून लेंगे। फिर इसे हम अच्छे से कूट लेंगे।
अब फिर से एक पैन को गर्म करेंगे और उसमें एक कप पानी डालकर थोड़ा बॉईल करेंगे। इसमें ज्वार के आटे को मिला देंगे और अच्छे से मिलाएंगे। फिर स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1-2 गार्लिक क्लोव्स, 1 टीस्पून ग्रीन चिली, 1/2 बाउल अनियन, 1/2 बाउल ग्रेटेड कैरेट डालकर अच्छे से मिला लेंगे। हाफ कप पानी ऐड करेंगे और दोबारा से मिलाएंगे। ज्वार सूप बनकर तैयार है। आपको डे 1 थायराइड वेट लॉस सीरीज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और डे 2 की रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, और ऐसी ही और रेसिपीज के लिए साउल जीरो ऑयल कुकिंग में बने रहें। धन्यवाद।